शासकीय महाविद्यालय पोहरी में आज दिनांक 23 मार्च 2023 को युवा नीति विमोचन के अवसर पर यूथ महापंचायत का लाइव प्रसारण मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल से किया गया, जिसमें महाविद्यालय में मुख्य अतिथि सुरेश धाकड़, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन आशुतोष जैमिनी मंडल अध्यक्ष एवं दिनेश जाटा भारत धाकड़ डॉक्टर हरिशंकर धाकड़ उपस्थित रहे। इस अवसर पर महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर ए पी गुप्ता, नरोत्तम धाकड़ अध्यक्ष, जन भागीदारी समिति एवं महाविद्यालय का समस्त स्टाफ तथा महाविद्यालय के लगभग 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज महाविद्यालय में यूथ महापंचायत को लेकर एक लाइव प्रसारण का आयोजन किया गया था, और क्या कुछ छात्र छात्राओं के आगे के लिए सोचा गया है और क्या कुछ उन्हें दिया? आज पूरे प्रदेश में हम सबके जन जन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के मार्गदर्शन में, उनके मुख्य अतिथि में हर जगह हर कॉलेज में ईद कार्यक्रम जो किया गया, मैं यहाँ आया था और आज मेरे को आमंत्रित किया, यहाँ के बहुत अच्छा लगा। और यूथ में जोश है और यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे तारे हैं, और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने जो जो मुझसे मांगा, पहले जब मैं आया था तो यहाँ ये स्थिति थी कि उनके बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था नहीं थी, मैंने तत्काल अपने विधायक फंड से 2 लाख रुपये उनको स्वीकृत किए थे, और आज वो फर्नीचर उन लोगों ने खरीद लिया। फिर भी बच्चे हैं, जब आओगे तो बच्चे कुछ ना कुछ फिर मांगते हैं। आज फिर उन्होंने हमसे कहा कि आधा हो पाया आधा नहीं हो पाया, तो मैंने कहा 2 लाख रुपए मैं आपको और देता हूँ, और इस कॉलेज की कुछ बाउंड्री का काम शेष रह गया पीछे, तो उसको भी मैंने इनको आश्वासन दिया है कि नगर पंचायत की ओर से मेरी CMO साहब से बात हो गई है और अध्यक्ष जी से भी बात हो गई है, और वो बाउंड्री का काम भी बहुत जल्दी मैं करा के दूँगा, जिससे हमारे कॉलेज का बाउंड्री वाल हो जाएगी, जिससे सुरक्षित हमारा कॉलेज रहेगा, और पूरे कॉलेज के चारों ओर हमारा मन है कि वृक्षारोपण किया जाए, जिससे कॉलेज की सुंदरता बढ़ेगी, और कॉलेज की सुंदरता बढ़ेगी तो पोहरी की सुंदरता बढ़ेगी, हम सब की सुंदरता बढ़ेगी, और पोहरी का सदैव सहयोग बढ़ चढ़ के मुझे मिला है, उसके लिए मैं पोहरी के लिए सदैव पोहरी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और इसी तरह सहयोग और आशीर्वाद आप सबका मुझे मिलता रहेगा, तो ललक और उत्साह के साथ मेरा भी मन रहता है कि पोहरी के लिए अच्छे से अच्छा काम अपन करें।